अच्छा ठीक है, और एज वगैरह के क्वेश्चन आ रहे थे पिछले साल तो आए थे, इस बार आए हैं कितने क्वेश्चन? दो क्वेश्चन एज के। एवरेज? हाँ एवरेज के, एक तो एवरेज का ऐसा कुछ मतलब एवरेज का था, लेकिन दूसरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, वो एवरेज का ही है। अच्छा। थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था वो, मतलब बता सकते हो थोड़ा सा? अवलोकन करके कुछ क्वेश्चन थे, जैसे 14 लोगों का अवलोकन करके सबसे क्वेश्चन, लेकिन वो पता ध्यान से पढ़े समझ में औसत का ही क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। और एक नॉर्मल था, ओके वो वाला था जो वजन वाला था ना एवरेज में, इतने वजन लोगों का वजन इतना है और इतने लोगों का वजन इतना है तो बताओ। ठीक है, यही था, बिल्कुल बेसिक था वो। ठीक है, यही दो क्वेश्चन थे। और रेशियो का कोई क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था। क्या जैसे दो रेशियो दे रखे थे? दो रेशियो के क्वेश्चन थे? नहीं नहीं, अच्छा दो रेशियो दिए हुए थे, उसमें एक वो दी हुई थी अमाउंट दी हुई थी पहले और दूसरी, मतलब ऐसा करके मतलब अमाउंट दिए थे उनमें से एक वो अमाउंट बताना था। अच्छा मतलब दो रेशियोज दिए थे, उनको कंबाइंड करके एक वैल्यू दी हुई थी, बताना था दूसरी वैल्यू। वैसे वो ट्रेन का क्वेश्चन था रेशियो में, ट्रेन का क्वेश्चन रेशियो में था। ठीक है, ट्रेन से हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ओके। और टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आया होगा, टाइम एंड वर्क का मैन वुमेन वाला कोई चिल्ड्रन? हाँ हाँ मैन वुमेन, हाँ मैन वुमेन वाला था, वैसे नहीं था मतलब इतने दिनों ने इतने आदमी ने वो नहीं था, यही बोलता मैं ऐसे तरीके से दो आदमी या तीन औरत ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो तीन वुमेन और हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। एलसीएम नहीं, ये वाला नहीं था, ऐसा नहीं है एलसीएम का नहीं था। अच्छा नंबर सिस्टम का कोई यूनिट डिजिट वगैरह निकालने का कोई क्वेश्चन आया हो? नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आया ओके। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए? मेंसुरेशन के तीन से चार क्वेश्चन थे, थ्री डी के टू डी के। मैंने इतना मेंसुरेशन ध्यान नहीं दिया लेकिन मैंने पढ़ा था मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, ऐसे दो ही नॉर्मली पाएंगे वैसे तो। हाँ हाँ एक वो वाला क्वेश्चन था, मतलब था तो मेंसुरेशन का लेकिन उसमें सक्सेसिव वाला वो लग रहा था फॉर्मूला। अच्छा, कोई चीज जैसे आप ये बोल सकते हो सिलेंडर की हाइट इंक्रीज हो गई, रेडियस डिक्रीज हो गया? नहीं ऐसा देखा था, मतलब कि एरिया जैसे 20% से बढ़ रहा था क्षेत्र, कल कितने से बढ़ेगा, मतलब उसमें वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, वो वाला मतलब वो वाला। ओके ठीक है, और कोई डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन? नहीं ये वाला सब नहीं। ओके, मिक्सर का कोई क्वेश्चन आया? नहीं मिक्सर का कोई क्वेश्चन। पार्टनरशिप का कोई परसेंटेज? हाँ, का पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था पर मेरी याद नहीं क्या क्वेश्चन। कोई बात नहीं, परसेंटेज परसेंटेज का शायद एक था, परसेंटेज में एक था। क्या कंफर्म मेरी याद नहीं है, इतने क्वेश्चन हो गया पर हाँ था वो इतना था। थोड़ा सा आइडिया, बस आइडिया कि ये था। इजी था क्वेश्चन? नहीं था इजी सारा, बस एक दो जो मेंस रेशन और ये सीआई का था ना, बस ये थोड़ा सा लेवल था और तो सारी इजी। सीआई और एसआई थोड़ा मुश्किल था? हाँ मुश्किल भी नहीं, मतलब एवरेज ही था, मॉडरेट था। हाँ बस नहीं ज्यादा एवरेज नहीं। ठीक है, पाइप असिस्टेंट का क्वेश्चन आया होगा? नहीं नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया पार्टनरशिप पाइप असिस्टेंट। ये भी क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस का? वो ट्रेन वाला था, दो क्वेश्चन थे ट्रेन वाले, ट्रेन के दो क्वेश्चन थे। ठीक है, एचसीएफएलसीएम का कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके, रीजनिंग का कैसा रहा पेपर? रीजनिंग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इजी थी, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कौन सा टाइप आया था कोडिंग डिकोडिंग में? सारे एवरेज ही थे, मैं जल्दी मैं तो कर दियो 15 मतलब इसका कोड ये दिया हुआ है तो दूसरे का कोड बताओ। सिंपल वो था, वो मतलब रीअरेंज करे हुए थे उनको, मतलब नीचे लिख के रीअरेंज करने थे, वो वाला था। अच्छा ठीक है, कितने क्वेश्चंस? दो होंगे, दो। ठीक है, डायरेक्शन भी? डायरेक्शन का नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, पिछली बार तो भरे हुए थे, इस बार नहीं था। और रैंकिंग का कोई क्वेश्चन? हाँ रैंक के दो क्वेश्चन थे, रैंकिंग के मतलब एक बंदा इधर से इतने नंबर पर बैठा है। ठीक है, दो क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम कांसेप्ट थे दोनों। ठीक है ठीक है, ब्लड रिलेशन आया होगा जरूर, पॉइंटिंग वाला आया होगा? नहीं नहीं, दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन, सेम वो सेम कांसेप्ट था, मतलब दे रखा था उसका भाई इससे, भाई से मतलब पापा, मतलब ये वाला आंसर था, इस टाइप से था, दो क्वेश्चन थे। ठीक है, ट्रेडिशन वाले भी। और सिलोजिज्म आया कल? सम पेंसर पेंसिल कुछ पेड़ अगरे हैं, ये नहीं आया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन मैथ को मेरे को याद आ गया, मतलब वैसे दिया था कि तीन ये पेंसिल वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ मेरे को याद नहीं कॉन्सेप्ट से, ये वाला क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो क्वेश्चन? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का है, हाँ ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मतलब प्रॉफिट बताना था कितना है पेंसिल वाला ये जो है। ठीक है, पेंसिल वाला। ठीक है ठीक है ओके, थोड़ी बहुत वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, एंडाग्राम हाँ ठीक थे, नॉर्मल थी। क्या था उसमें एंडाग्राम में? जैसे कि एंडाग्राम वही वाले होते ना जो सर्कल वाले, जैसे टेबल चेयर फर्नीचर वाला, उसमें था मतलब पंक्ति में था, सीधी पंक्ति में। अच्छा, पूर्व की तरफ मतलब पूर्व की साइड बिठा रखे थे वो लोग? नहीं वो तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। और कौन सा वाला? वो तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। नहीं वैसा वाला नहीं था, त्रिभुज जो आप बोल रहे हैं ना वो वाला नहीं था। जैसे होता ना कि हाँ, भाई आप टेबल चेयर फर्नीचर इस तरह के डायग्राम बनते थे, एक ही क्वेश्चन था इसमें से। हाँ एक था ना वो, क्या था उसमें ये पूछ रखा था, मतलब दो उसके वो निश्चय पूछ रखे थे। अच्छा
थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा कर देगा, थोड़ा सा आइडिया बता दिया ये कुछ हो सकते हैं कि नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, सम पेंसिल पेंसिल वाला क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं कि नहीं इस टाइप से, ठीक है ठीक है। वेन डायग्राम नहीं आया कोई क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का बता रहे, क्वेश्चन आया था नॉर्थ की तरफ बैठे, नहीं नहीं पूर्व की तरफ बैठे थे, ईस्ट फेसिंग, ठीक है। कितने लोग थे उसमें ईस्ट फेसिंग वाले? छह लोग थे, ठीक है। एनालॉगी कोई क्वेश्चन? एनालॉगी के एक से दो क्वेश्चन आए होंगे, मतलब जैसे आपने देखा होगा ए बी रेशियो सी ई एफ, वो हाँ ये नहीं आए थे, वो दूसरे वाले थे, दो क्वेश्चन आए थे जैसे एक साथ रेशियो करके, हाँ मेरे को क्वेश्चन भी याद है। नंबर एनालॉगी कितने आए थे? दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन अलग है, वो आप बताओ। हाँ ये तो एक दो क्वेश्चन थे इसमें, वो थे वो वाले डायग्राम वाले, अच्छा डायग्राम में से अलग करना होता है ना, हाँ हाँ डायग्राम वाले थे, दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन थे वाले, दो तीन क्वेश्चन थे, ठीक है। और से मिसिंग नंबर, जो फिगर होती है उसमें एक नंबर मिसिंग होता है, मिसिंग नंबर मिसिंग याद नहीं, मिसिंग नंबर नहीं था, ठीक है। नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन थे? नंबर सीरीज थे एक तो एक दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे, जी जी जी, दो क्वेश्चन थे, इजी थे, दो चार का मतलब मल्टीप्लाई वाली सीरीज थी, एडिशन सबट्रैक्शन थी, ये था दो और एडिशन वाली, स्क्वायर वाली प्लस वन एंड सेकंड स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एक में था दो और चार का डिफरेंस था, बिल्कुल सेम, ओके ओके ठीक है। और कोई क्लॉक का क्वेश्चन है? नहीं क्लॉक का नहीं। डाइस का कोई क्वेश्चन? नहीं डाइस का भी नहीं, डाइस पिछले साल तो ले लेते। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स को लगाना हो, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक है। वाटर इमेज मिरर इमेज कोई भी क्वेश्चन वाटर इमेज से नहीं आया। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आया होगा? ये सब नहीं, कटिंग नहीं आया। काउंटिंग फिगर्स का मतलब बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं, मतलब देखेगा तो जब भी आंसर है, मतलब अच्छा एक मिनट का भी आंसर नहीं, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स कुछ नहीं, ट्रायंगल वगैरह काउंट करने हो? नहीं नहीं अवेलेबल नहीं, ठीक है ओके ओके। कोई नॉन वर्बल के एक दो क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन डायग्राम देख के हमें उसके बेस पे बताना, मतलब वो वाटर इमेज मिरर इमेज का था, पेपर फोल्डिंग का था, क्या था? नहीं ये नहीं देखना था कि मैच कर रहा है कि और एक वो वाले भी थे, अच्छा जिसमें से मतलब आकृति के अंदर पता नहीं होता ना इमेज ये है कि नहीं है, वो वाली मतलब एक छोटी सी इमेज दे देंगे वो आकृति के अंदर है कि, अच्छा एम्बेडेड फिगर, हाँ वो वाले दो एक था एम्बेडेड फिगर था, ठीक है ओके ठीक है ठीक है। कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ओके ओके। मिसिंग नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब एक फिगर होती है उसमें एक नंबर मिसिंग होता है कोई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, हाँ दो बता रहे हैं ये दो क्वेश्चन आए हैं, ओके। कोई और सीरीज वगैरह, ये लंबी सी सीरीज होती है? नहीं इतना नहीं था, टफ नहीं था, मतलब अच्छा ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा अलग सा याद आ रहा हो? एक था जी मेरे को समझ में आया नहीं, मतलब 1400 बच्चे खड़े हैं, मतलब है स्कूल में, रैंकिंग का था वो मेरे को समझ में आया, अच्छा, रैंकिंग के दो क्वेश्चन थे, रैंकिंग के दो क्वेश्चन, जो लास्ट एंड फर्स्ट वाले को काउंट करके बताते हैं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा याद आ रहा है? करेंसी वगैरह पूछ लियो, साइंस से रिलेटेड था, साइंस से थे कि कुछ बता रखा उसका दूसरा मतलब सेम मीनिंग बताना था ना वो वाला, अच्छा साइंस लैंग्वेज में पूछ रहा, मतलब साइंस को पूछ रखा, इजी था, मतलब कह सकते हैं इजी था, वो चार पांच जीके बेस था, जीके बेस, ठीक है ठीक है ओके। जीके में क्या-क्या आया? जीके में क्या मतलब क्या बताना, एक तो डे आया था, राष्ट्रपति का ही पूछा था कि क्या नाम है जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कितनी राशि वो देनी पड़ती है, कितनी उनको मतलब रखनी पड़ती है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए निपटा करके जो था, ठीक है ठीक है। और कुछ? और एक वो डे पे था, डे डे पूछ रहा था, सेंसस डे पूछ रखा था, सेंसस डे, ठीक है। और शुभंकर पूछा था, शुभंकर जैसे कि होता है ना G20 का शुभंकर है, अच्छा ऐसा ऐसे टाइप का शुभंकर, ठीक है। और आर्टिकल संशोधन 86, हाँ वो ठीक है, 6-12 अमेंडमेंट 86 है, 86 के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। और कोई डांस वगैरह से तो कोई क्वेश्चन नहीं है? डांस नहीं, बुक्स वगैरह ऑथर वगैरह को, हाँ बुक ऑथर आई थी, बुक का क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम वाली, अब्दुल कलाम वाली उनकी वो बायोग्राफी, बायोग्राफी ठीक है। और कोई अपने हिंदी या इंग्लिश की है? हिंदी, हिंदी में बता सकते हैं आपने? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी का दिया मैंने, समाज पहले जीके का थोड़ा सा और बता दो, थोड़ा
और क्या क्या आया? मणिपुर से मतलब करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। एक 22 के थे, एक 23 के करंट थे। अच्छा, करंट अफेयर 22 के भी आए हैं। 22 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, पता नहीं क्या चक्कर था, इसलिए ज्यादा पूछ रखे। 23 के एक पूछा था, 2023 का एक क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल के ज्यादा थे। और इस ईयर का करंट अफेयर 2023 से एक करंट अफेयर था, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं 2021 का भी पूछ रहे हो? नहीं, 21 और 22 ये बता रहे हैं, 22 का एक साल। ओके, और कोई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कुछ? ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं याद नहीं आ रहे। चलो, क्या कुल मिलाकर जीके इजी था? ओके, अब हम हिंदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंदी के बारे में क्या क्या है? कोई समाज से क्वेश्चन है, और विलोम पर्यायवाची, विलोम शब्द, विलोम शब्द कितने हैं? 2 से 3 पर्यायवाची कितने हैं? 2 से 3 समानार्थी शब्द 2 से 3 2 से 3 ठीक है। और करेक्ट बताना था, अशुद्ध बता, एक हाँ। दो अशुद्ध वाले थे और एक शुद्ध वाला था। अशुद्ध, ठीक है, दो क्वेश्चन थे अशुद्ध वाले, एक शुद्ध वाला क्वेश्चन था, एक शुद्ध वाला क्वेश्चन था। और जो चिन्ह होते हैं ना, विराम चिन्ह वगैरह, अच्छा, हाँ, दो आए थे उससे, वो दो आए थे इकट्ठे, एक साथ दो आए थे। चिन्ह के बारे में दो क्वेश्चन थे, ठीक है। और तो कुल मिलाकर आपका पेपर कैसा रहा? इजी था, इजी बिल्कुल, 80 प्लस हो रहे हैं। मतलब अगर हम सबकी मान के चले कितने अटेम्प्ट, अगर 5-6 हम छोड़ दें, और रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनेंगे जीके बेस पे, वो भी हां जीके के चलते वो हो जाता है कभी-कभी ना, जीके का हो जाता है, रीजनिंग में भी ड्राई फाइट। तो हर एक पार्ट में ना कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें टाइम वेस्ट करने के लिए डाला भी जाता है, कि टाइम वेस्ट हो, टाइम बहुत बच रहा है। 2-3 अगर उसको छोड़ते तो टाइम काफी बच जाएगा, बहुत बच रहा होगा, ठीक है। आधे घंटा बच गया था सबके। चलो खैर, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी लक्ष्य अकेडमी, आप हमारे चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब करना।